हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS चेजियर T10 2024 की जो सीरीज चल रही है, इसके 56वें और आज के दिन के पहले यानी एलिमिनेटर मैच के बारे में। जो भी टीम इस मैच में हारेगी वो टीम सीधे सीधे बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी वो क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई करेगी। ठीक है, पहले बात करते हैं मैच। तो यह मैच खेला जाएगा यूनाइटेड CC वर्सेस पराग टाइगर के बीच मैच होगा। मैच की टाइमिंग है 12:30 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 28 जून 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, लेकिन कल के जो लास्ट दो मैच हुए थे उसमें बारिश थोड़ी बहुत आई थी। ठीक है, लेकिन अब आज बारिश की उम्मीद नहीं है। वेन्यू की बात करें तो स्कॉट पेज फील्ड विनोर पराग में मैच खेले जा रहा है, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 130 से लेकर 140 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 55 मैच इस वेन्यू पर हो चुके हैं, जिसमें 27 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 27 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने और एक मैच इधर नो रिजल्ट रहा है। ठीक है, यानी बैटिंग फर्स्ट या सेकंड का किसी भी टीम को कोई खास एडवांटेज नहीं है। ठीक है, वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। पहले बात करते हैं पराग टाइगर की, जिसने इस टूर्नामेंट में 10 मैच खेले हैं, 6 मैच इनकी टीम जीती है, 4 मैच इनकी टीम हारी है। लास्ट मैच जो खेला गया उसी के हिसाब से हमने बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 सेट करा है। तो पहला प्लेयर है सौजेब मियां, जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है। इस टूर्नामेंट के 10 मैच में 286 रन बनाए, 29 की एवरेज से 14 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 7 विकेट लिए, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा 95%, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप इसको दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद है MD सादत हसन सागोर, ठीक है, जिसने 10 मैच में 417 रन बनाए, 41 की एवरेज से 8 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए। कल के दिन में स्टेडियम के दो मैच हुए थे और दोनों ही मैचों में इसने दो दो ओवरों की गेंदबाजी करवाई थी, इस वजह से कैप्टन वाइस कैप्टनसी का चॉइस है। सिलेक्शन की बात करें 98% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है नुमान तारिक, 10 मैच में 149 रन बनाए, 15 की एवरेज से ठीक ठाक प्लेयर है, फर्स्ट बैटिंग में आप इसको कन्फर्म ट्राई कर सकते हो। और सिलेक्शन की बात करें तो 81% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है इमरान भुयान, जिसने 3 मैच में 13 रन बनाए, 4 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी है। इसके बाद है आमिन हुसैन, जिसने 10 मैच में 71 रन बनाए, 9 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए, जिसने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी है। इसके बाद इमरान भट्ट, 9 मैच में 128 रन बनाए, 16 की एवरेज है, इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि कल जो मैच में बैटिंग इसकी लेट आई थी वो एक्सपेरिमेंट का मैच था, क्योंकि क्वालिफाई कर चुकी थी टीम, लेकिन आज मेन मैच है इसलिए इसको ऊपर भेजेगी। ठीक है, इसको ओपनिंग ही भेजेगी, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन देखें 59% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है महिंदी आलम, जो स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है, 10 मैच में 19 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 6 विकेट लिए, बॉलिंग कंफर्म करा रहा है, इस वजह से अपन इसको ट्राई कर सकते हैं। और सिलेक्शन की बात करें महिंदी आलम का तो 80% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है अजहर आलम, जो डेथ ओवर और स्टार्टिंग ओवर्स डालता है, 10 मैच में 19 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 7 विकेट लिए, तो इसने भी 2 ओवर की कंपलसरी गेंदबाजी करवाई है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन की बात करें 85% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है इम्तियाज रैयद, 6 मैच में मात्र 2 रन बनाए। इसके बाद है बलायत हुसैन, 1 मैच खेला, बैटिंग बॉलिंग नहीं करी। इसके बाद है नजरुल इस्लाम, जिसने 2 मैच खेले, बैटिंग बॉलिंग नहीं करी। तो बेंच पर से भी इनों की तरफ से कोई सा भी प्लेयर खेलता है तो सभी के स्टैट्स हमने लिख रखे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बात करते हैं दूसरी टीम यूनाइटेड CC की, जिसके इस टूर्नामेंट में 10 मैच हुए, 4 मैच जीती है, 5 मैच हारी और 1 मैच इनका नो रिजल्ट रहा, जो कल के आखिरी मैच था। ठीक है, तो बात करते हैं लास्ट मैच जो खेला गया उसी के हिसाब से हमने बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 सेट करा है। तो पहला प्लेयर है ऋतुराज मकारे, जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है। इस टूर्नामेंट के 9 मैच में 119 रन बनाए, 14 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया है, बैटिंग भी कुछ इतनी बढ़िया नहीं कर रहा है, ना बॉलिंग से परफॉर्मेंस कर पा रहा है, लेकिन सिलेक्शन हाई है, इस वजह से अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन की बात करें 95% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है पीयूष सिंह बघेल, 9 मैच में 120 रन बनाए, 18 की एवरेज है, यह एक बेहतरीन प्लेयर है और अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की बात करें 87% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है प्रमोद बगोली, जिसने 9 मैच में 214 रन बनाए, 13 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हैं 5 विकेट लिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों बढ़िया कर रहा है, पिछले 2-3 मैच देखोगे तो, और स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी डालता है, इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी का चॉइस है। सिलेक्शन की बात करें 96% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है अमित पंगारकर, जिसने 2 मैच खेले, बैटिंग बॉलिंग नहीं करी है। इसके बाद है अभिमन्यू सिंह, 9 मैच खेला है, 78 रन बनाए, इसने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी है। इसके बाद है भरत कुमार, 7 मैच में 22 रन, 10 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट। इसके बाद है सैमल जोशी, 6 मैच में 28 रन। इसके बाद है अली हसन सत्तार, जिसने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कराई है, 9 मैच में 11 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए, तो बॉलिंग उसको थोड़ी कम मिली है। ठीक है, इस वजह से खाली ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे। इसके बाद है अर्पण शुक्ला, 3 मैच में इसने 5 ओवर की गेंदबाजी कराई है, 1 विकेट लिया, बॉलिंग कंफर्म करा रहा है, इस वजह से अपन इसके साथ जा सकते हैं। और सिलेक्शन की बात करें अर्पण शुक्ला का, तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा मात्र 4%। इसके बाद है हार्दिक गांदलिया, 5 मैच खेला है, बैटिंग बॉलिंग नहीं करी। इसके बाद है अमनदीप सिंह बिंद्रा,
जो स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है। इस टूर्नामेंट के 9 मैच में 15 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए। तो यहाँ से आप अर्पण शुक्ला को ले सकते हो या मनदीप सिंह को ले सकते हो, किसी भी एक प्लेयर के साथ आप जा सकते हो। बात करते हैं लास्ट प्लेयर जो बाकी है, तो अभिमन्यु सिंह को ही लेना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग आने के चांस रहेंगे इसके, बाकी दूसरे विकेट कीपर के बैटिंग की उम्मीद कम है। बेंच पर देखें तो बेंच पर भी खूब सारे प्लेयर हैं, इनमें से कोई सा भी प्लेयर खेलता है तो सभी के स्टेट्स आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। बात करते हैं टीम की, जो जो इंपॉर्टेंट थे अपन ने सभी को सेलेक्ट कर लिया। कैप्टनसी की बात करें तो पीआरटी की टीम वाले ही अपन कैप्टन बनाएंगे, यहाँ से सुजीव मियां को कैप्टन बनाएंगे और वाइस कैप्टन सागर हुसैन को बनाएंगे, या फिर आप स्वाइप भी कर सकते हो क्योंकि दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हो, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहा है बैटिंग और बॉलिंग से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए डेमो टीम आप सेव कर लो, डेमो टीम में फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसके साथ ही कल परसों से नई T10 की सीरीज स्टार्ट हो रही है रोमानिया की 1 तारीख से, तो आपको उसमें भी सारे वीडियो मिल जाएंगे। हम दिन के जितने भी मैच होते हैं सारे कवर करते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर अच्छी खासी हेल्प हो सकती है, ठीक है। धन्यवाद।